नमस्कार दोस्तों, जीए जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपकी बदौलत हमारे चैनल के जो 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जो भी हमारे चैनल के व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, उनको मैं बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका जो प्यार हमें मिलता रहा है उसकी बदौलत हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट कर लिए है। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ जो कस्टम टूल होते हैं वो आर्टकैम में कैसे ऐड किए जाते हैं, इस तरह के कस्टम जो टूल है तो ये कस्टम टूल आर्टकैम में कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और उसके बारे में उसकी टूल पाथ कैसे बनाई जाती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास भी एक कस्टम टूल है, इसी तरह का कस्टम टूल मेरे पास है जो आपको दिख रहा है, कि उसी तरह का कस्टम टूल पे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोडेस्क ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पे भी इसको इनपुट कर लिया जेपीजी को, और जेपीजी को इनपुट करके मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली। इस तरह से ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाइन लेके इस तरह से आपको आपको इसको ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है। इसी तरह से इसको भी ड्रॉ करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से आपको इसको ड्रॉ करना है। बाद में यहाँ पे लाइन लेके यहाँ पे पॉली लाइन ली हमने, लाइन को लेके यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करनी है, और यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह से क्रिएट कर देनी है। तो इस तरह से ये जो बीट की प्रोफाइल बन जाएगी, इसको मैं मूव करके थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। इस तरह से ये प्रोफाइल बन जाएगी, यहाँ पे भी मैंने प्रोफाइल बनाई है, इस तरह से बन जाएगी। तो एक्चुअली मैं इसको कहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरे ये जो कैबिनेट के डोर है इसकी मैंने ड्राइंग बनाई है, और ये जो मैंने सही मैंने स्क्वायर बनाए हैं, स्क्वायर के अंदर मैं वो डिज़ाइन अप्लाई करने वाला हूँ, उसके लिए मैं टूल पाथ बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आर्टकैम में ये टूल को ऐड करना पड़ेगा, कस्टम टूल को। तो कस्टम टूल को हम लोग आर्टकैम में कैसे ऐड कर दें उसको पहले देखेंगे हम लोग। इसको कंट्रोल शिफ्ट एस दबा के हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, कस्टम टूल ऑटोकैड फॉर्मेट डीएक्स फॉर्मेट में सेव करेंगे 2013 में, इसको हम लोग सेव करते हैं। इस तरह से सेव करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। मिनिमाइज़ कम कर देने के बाद हम लोग हमारे ऑटोडेस्क आर्टकैम को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑटोडेस्क आर्टकैम ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे न्यू मॉडल डिफाइन करेंगे, और वो न्यू मॉडल डिफाइन करने के बाद हमारा जो वर्क एरिया है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से आर्टकैम को थोड़ा टाइम भी लग सकता है ओपन होने के लिए, कोई बात नहीं है, उसमें आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम ओपन होने के लिए लग सकता है। इस तरह से हमारा जो वर्किंग बेस था वो ओपन हो गया। अभी हम लोग जाएंगे वेक्टर में जाके जो हमारी जो डी एक्स एफ फाइल थी उसको इनपुट करेंगे हम लोग, जो ऑटोकैड की हमने सेव की थी उसको यहाँ पर इनपुट करेंगे। ये देखिए, यही फाइल है कस्टम बीट, इसको हम लोग ओपन करेंगे आर्टकैम में। इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाने के बाद इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें, और इनको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ये ड्राइंग्स को इस तरह से नीचे ले लिया, और ये जो ड्राइंग है मैं इसको F9 दबा के सेंटर में ले लेता हूँ, और जो कस्टम बीट है इसको भी F9 दबा के मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी ये बीट का जो कस्टम बीट का जो डायामीटर है वो 22 है, और उसकी हाइट जो है 12 mm है। तो सबसे पहले मैं इसकी हाइट चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इसकी हाइट है, तो मैं सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो कम करूँगा, ठीक है। तो इसकी मैं दोनों को साथ में ही करूँगा, तो इसकी हाइट जो है 12 mm में रखूँगा, और इस तरह से अप्लाई बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से ये हो जाएगी, इसकी हाइट 12 mm, और ये जो विड्थ दिख रही है ये इधर 7 है, लेकिन एक्चुअली 7 नहीं चाहिए हमें, डायमीटर इसका 22 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विड्थ में हम लोग 11 mm और हाइट 12 mm रखे। इस तरह से हम लोग एक राइट एंगल बना लेंगे। राइट एंगल बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग राइट एंगल को यहाँ पे 0-0 करेंगे, इस तरह से 0-0 करेंगे, और यहाँ पे लाइन को भी एक बार चेक कर लेंगे। ओके, लाइन पे है, कोई मसला नहीं। इनको सिलेक्ट करके ये जो बाहर का एरिया है इसको हम लोग कट कर देंगे, इस तरह से बाहर का एरिया भी हमने कट कर दिया, और जो ये एरिया है इसको भी हम लोग यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और ये बाहर का जो वेक्टर है इसको हम लोग डिलीट कर दिए। तो इस तरह से ये बीट दिखाई देगा दोस्त।
ठीक है, इस तरह से बीट की जो प्रोफाइल है इस तरह से प्रोफाइल बन जाएगी। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, तो हमें सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टूल पाथ में जाना है। टूल पाथ में यहाँ है क्रिएट कस्टम कस्टम फ्रॉम टूल, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ी वार्निंग दी जाएगी, इसको इग्नोर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको ओके बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह का कस्टम टूल दिखाई देगा कि यहाँ पे टूल टाइप जो दिख रही है वो कस्टम टूल है। वो टूल का नंबर हम लोग डाल सकते हैं कस्टम टू, इसे नाम दे देते हैं। इसका डायमीटर ऑटोमेटिकली 22 आ गया, इसके स्टेप डाउन ओके 12 mm आ गई। उसके बाद में यहाँ पे जो फिट रेट है इसको हम लोग बढ़ा देते हैं 100, और इसको भी हम लोग कर देते हैं 75 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिट रेट को। तो इसको ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह सा कस्टम टूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कस्टम टू, मैंने पहले कस्टम वन भी ऐड कर चुका है, मैं ये कस्टम टू है। तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, अभी कस्टम टूल अप्लाई कैसे करने का। अभी कस्टम टूल तो हमने ऐड कर दिया, उसका डायमीटर डाल दिया 22। हम लोग चाहे तो सिर्फ यहाँ पे, चाहे तो टूल डाटाबेस है उसके अंदर जाके हम लोग, मतलब यहाँ पे जो, एक मिनट, यहाँ पे जो टूल डाटाबेस है मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली जो टूल डाटाबेस होता है, तो ओके ये जो डाटाबेस है तो इसमें आके हम लोग ओनली एंड बिल को 22 mm डाल के भी उसको दिखा सकते हैं एटकैम को कि भाई इसके अंदर 22 डायमीटर का बीट है। अगर चाहे तो आप, अगर प्रोफाइल क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप ओनली 22 mm का एंड मिल उसको दिखा के वर्क भी कर सकते हैं। लेकिन आपको वो बात बहुत दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अपना डिज़ाइन कितना डेप जाना चाहिए, कितना अप जाना चाहिए, इसमें बहुत काम करना पड़ता है आपको। और इसका जो सिमुलेशन आप देखेंगे इसमें तो सीधा ही कटिंग दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसकी वजह से ये भी एक तरीका है काम करने का कि आप देख सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि प्रोफाइल बना के उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इस तरह से हमने कस्टम टूल तो ऑलरेडी बना लिया, तो हम तीनों ये वेक्टर को सिलेक्ट कर देते हैं। तीनों वेक्टर के बीच में हमें अप्लाई करना है वो डिज़ाइन। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे 2D टूल पाथ का जो प्रोफाइलिंग ओपन हो जाएगा। हमें चाहिए इनसाइड, और यहाँ पे जो साइज़ है इसकी हम लोग देंगे 6 mm ओनली। मुझे क्यों 6 mm में इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मटेरियल जो है 12 mm का है। तो मटेरियल 12 mm का है तो मैं 12 mm तो नहीं दे सकता क्योंकि मटेरियल कट जाएगा। तो इसके वजह से मैं 6 mm में दूंगा। तो 6 mm में भी डिज़ाइन दिखाई देगी और ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे सिलेक्ट टूल में, सिलेक्ट टूल में लास्ट में जाएंगे कस्टम टूल। यहाँ पे देखिए कस्टम टू, इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है मटेरियल डिफाइन, हमारा मटेरियल है 12 mm। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद देखिए दोस्तों, इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद ये अप्लाई हो गया। तो ये जो दो राउंड है, दो वेक्टर, ये हमारा हैंडल कटिंग है क्योंकि ये स्लाइडिंग डोर है। तो इसके भी मैं प्रोफाइल बना लेता हूँ अभी। इसके लिए हमें यहाँ एक काम करना पड़ेगा, टूल पाथ में जाके यहाँ पे एक प्रोफाइल है क्रिएट क्लियर एरिया क्लियरेंस टूल पाथ, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ऐड टूल में करेंगे, हमारे पास 5 mm का एंड मिल है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसकी फिनिश डेप्थ भी हमें 6 mm चाहिए, तो इस तरह से 6 mm डाल के यहाँ पे रेस्टर फिनिशिंग सिलेक्ट करूँगा मैं और कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूँगा। ओके, अभी इधर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। हमने जो तीन वेक्टर सिलेक्ट कर दिए किए थे उसके अंदर वो अप्लाई हो गया, लेकिन हमें चाहिए ये वेक्टर। तो हमें ये वेक्टर को सिलेक्ट करना है और कैलकुलेट करना है, ये वेक्टर के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह से अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अप्लाई होने के बाद इसका हम लोग सिमुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करके, इसको सिलेक्ट करके इसका सिमुलेशन हम लोग देखेंगे इस तरह से। ओके, इसको हम लोग प्ले करते हैं। ओके, इस तरह से हमको डिज़ाइन दिखने लग जाएगी। और इसका जो हैंडल कटआउट है इसका भी सिमुलेशन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। ओके, इस तरह का सिमुलेशन हमने कर लिया। तो सिमुलेशन करने के बाद देखिए दोस्तों, जो ये है सिमुलेशन है हमारा, वो कैसा दिखेगा, मतलब डिज़ाइन बनने के बाद कैसे दिखेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये डिज़ाइन कस्टम टूल की डिज़ाइन है, ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगी। लेकिन आपके पास जो कस्टम टूल है वो वही हिसाब से रहना चाहिए कि जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बनने के बाद बहुत गजब का दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा।
ठीक है दोस्तों, तो इसको अप्लाई कैसे करने का और इसको कस्टम टूल को ऐड कैसे करने का मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऐडकैम में कस्टम ट्यूटोरियल कैसे बनाया जाता है। मैंने पहले एक बार भी ट्यूटोरियल बनाया था कि ऐडकैम में कस्टम जो टूल्स होते हैं वो कैसे ऐड किए जाते हैं, लेकिन मेरे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं कि कस्टम टूल को ऐड कैसे करते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल ये काम था, तो ये काम था तो कस्टम टूल का, तो मैंने आपको दिखा दिया कि कस्टम टूल ऐडकैम में कैसे ऐड करते हैं। इसका जो आउटपुट है उसका आउटपुट भी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले बना लिया। बनाने के बाद इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। इस तरह से मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखिए इसका आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा। मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो कस्टम टूल अच्छा काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मैंने 6 mm का इसको डेप डाला है, यहाँ पे भी 6 mm, यहाँ पे देखिए जूम करके दिखाता हूँ मैं डिज़ाइन, ओनली 6 mm की डेप थे, ज़्यादा नहीं है। आप चाहे तो जितनी डेप डाल सकते हैं, लेकिन आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा कि कस्टम जो बीट होते हैं ऐडकैम में कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जी जून चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।